नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नई वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा इंजन ऑयल अच्छा है हमारी सारे गियरलेस स्कूटर के लिए, चाहे वो 110 सीसी की हो या फिर 125 सीसी की हो, जो भी कम सेगमेंट की है, या फिर हम गियर वाली बाइक्स भी ले लें जैसे कि हीरो स्प्लेंडर हो गई और शाइन हो गई होंडा की, तो कौन सा इंजन ऑयल सही रहेगा। तो अगर उसमें अगर फुल्ली सिंथेटिक डालेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा उसके लिए, क्योंकि अब 110 सीसी और फुल्ली सिंथेटिक जो इंजन ऑयल होता है वो काफ़ी हाई एंड बाइक्स के लिए होता है, जैसे कि हो गई आपकी पल्सर हो गई, 220 हो गई, या फिर आपकी ड्यूक हो गई, KTM सर्विस सेंटर खुद ड्यूक में मोतुल 7100 डालता है उसके अंदर, जो कि फुल्ली सिंथेटिक है। तो फिर जो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं वो सारे होते हैं हाई एंड बाइक्स के लिए, या फिर हाई एंड सब मतलब अच्छी चीज़ ज़्यादा सीसी वालों के लिए। तो कम सीसी वालों के लिए क्या करना है हमको, तो कम सीसी में मोतुल का 5100 अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है तो आप उसको डाल सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग है 531 ऑन अमेजोन। अगर आपके वहाँ मार्केट में वो 500 या 430 या 450 के अराउंड मिल जाता तो आप उसको डाल सकते हैं, वो भी अच्छी है। 5100 के अंदर तीन आती है, एक आती है आपकी गोल्ड, एक आती है मिनरल, आती है शायद से 3100। छोड़ो आप सारी बातों को, गोल्ड लिखा हो या फिर लिखा हो सिंपल सी चीज़ जो इस पर भी लिखी हुई है, सिंथेटिक बेस्ड। सिंथेटिक बेस्ड क्या है, जो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल होगा उसका मतलब होता है वो सिंथेटिक है उसके अंदर। तो फिर हमको वो वाला इंजन ऑयल डालना है अपनी स्कूटी के अंदर जिसके अंदर सिंथेटिक हो, सीधी सी बात है। तो जो 5100 है मोतुल का, वो अगर अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हर जगह पे जो अवेलेबल होने वाला है वो है ये शेल का एडवांस 10W40। ग्रेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना है, गूगल पे सिंपल सा लिखना है कंपनी रिकमेंडेड ग्रेड, GRADE ग्रेड 4, 4 के बाद फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बाइक का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में एक्टिवा या पल्सर, 4 एक्टिवा 4G, तो वो ग्रेड बता देगा। तो मेरे में ग्रेड आया था 15W40, तो मैंने डाला है 10W40 क्योंकि वो नहीं मिल रहा था 15W, और शायद आता नहीं होगा तो नहीं मिल रहा था, तो 19-20 का फ़र्क चलेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि आपके उसमें ग्रेड आ रहा है 10W और आपने डाल दिया 20W50, आपके में आ रहा 10W30, आपने डाल दिया 50 वाला, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि ग्रेड अगर गलत डालोगे तो इंजन की बैंड बच जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी की स्कूटी या बाइक ख़राब हो, तो इसीलिए सिंथेटिक बेस्ड डालना है। अब मैं सीधी सीधी सी बात पे आ जाऊँगा कि सिंथेटिक बेस्ड और मिनरल बेस्ड क्या है। तो जो सिंथेटिक बेस्ड होता है ये इंजन ऑयल, जब इंजन गर्म हो जाता है तो उसको ढंग से लुब्रिकेट कर पाता है, लेकिन जो आपके मिनरल इंजन ऑयल होते हैं जो नॉर्मल आते हैं आपके 200 की रेंज में, मिनरल ऑयल होता है वो गर्म होने के बाद पतला हो जाता है, और पतले होने के बाद वो इंजन को लुब्रिकेट ढंग से नहीं कर पाता। सिंथेटिक होगा, सिंथेटिक लैब में बनता है, और वो बनता ही इसी चीज़ के लिए है कि जब वो गर्म हो तो वो लुब्रिकेशन इंजन को ढंग से दे पाए, ताकि आपका इंजन ढंग से चलता रहे। ये डालेंगे तो अच्छी लाइफ रहेगी इंजन की, बहुत ज़्यादा चलेगा इंजन। और मैंने थोड़ी रिसर्च और करी तो मैंने एक मैकेनिक से भी पूछा, उस मैकेनिक ने मेरे को एक जवाब दिया, कह रहा भाई अगर मैं तुमको देसी घी का बना हुआ खाना खिला दूं तो क्या दोबारा भूख नहीं लगेगी? भूख तो लगेगी ना भाई। तो अगर कंपनी कहती है आपकी 2500 चलती है एक इंजन ऑयल चेंज पे, तो भैया वो 2500 ही चलेगी। और वो कह रहा है अगर कंपनी 2500 कह रही है तो भैया 2000 रुपये उसको करा लो, कंपनी के कहने पर मत जाओ, आप 500 250 किलोमीटर पहले हमेशा अपनी सर्विस करा लो। और कैसे डालना है वो आगे मैं भी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे डालना है, वो वैसे आपको आता ही होगा एक्टिवा में कैसे डालना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो भाई वही बात है कि देसी घी का खा लो चाहे तेल का खा लो, देसी घी का खाओगे हट्टे कट्टे रहोगे, तेल का खाओगे तो वैसे ही रहोगे, जैसा खाओगे वैसे बनोगे। तो वही बात है कि सिंथेटिक इंजन ऑयल डालोगे तो इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी, मिनरल डालोगे तो जो चल रही है आज तक चलती आ रही है वो चलती रहेगी भाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी स्कूटी में भी और बाइक में भी डालें, शेल का डालें चाहे मोतुल का डालें, जो आपके वहाँ अवेलेबल हो उससे कोई मैटर नहीं है, बस वो सिंथेटिक बेस्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो नई स्कूटी ले रहे हैं या फिर नई बाइक है जिनकी अभी बिल्कुल न्यू न्यू ब्रांड न्यू है, वो प्लीज़ सिंथेटिक ना डालें, मिनरल ही डालें, जो आपकी कंपनी रिकमेंडेड है मिनरल ही डालें। जब आपके 10,000 20,000 किलोमीटर चल जाए उसके बाद सिंथेटिक डालें। मेरी एक्टिवा 4G है, मैंने मार्च में खरीदी थी, वो 10,000 से ऊपर चल चुकी है, तो मैंने सिंथेटिक डाली है। मेरी पल्सर है 180, मैंने जुलाई में खरीदी है और वो भी 5,000 समथिंग पर है, तो मैं अभी भी मिनरल बेस्ड ही डाल रहा हूँ उसके अंदर, जो बजाज का उसका ऑयल आता है मैं अभी तक वही डाल रहा हूँ, अभी तक मैंने उसके अंदर कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा। तो आप भी ना करें सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ जब तक कि आपकी 10,000 किलोमीटर फुली कवर्ड नहीं हो जाते। अब आगे आप देखें कैसे चेंज किया था इंजन ऑयल इसका, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को बाइक म्यूटर्स, एंड वॉच माई वेट अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो विल कम अप। नीचे राइट साइड पे एक नट रहेगा, उस नट को खोल देना है। राइट साइड पे जो नीचे नट होगा उस नट से खोलते ही सारा इंजन ऑयल आ जाएगा। उसके बाद पेंच को दोबारा टाइट कर देना है,
इतना टाइट करना है कि उसकी चूड़ियाँ ना ख़राब हो, और इतना टाइट रहे कि इंजन ऑयल वहाँ से ना निकले। राइट राइट साइड पे ऊपर एक और नट मिल जाएगा, यहाँ पर इस नट को खोलेंगे तो यहाँ से हमको इंजन ऑयल डालना है। आप पाइप को लगा के या कोई भी फनल लगा के वहाँ पर से इंजन ऑयल डाल सकते हैं, और मैं अब इंजन ऑयल यहाँ डालूंगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।